हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अन अकाडमी एक्सेलरेट पर। और मैं पीयूष महेश्वरी आज के लिए लेके आया हूँ बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक। और बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इनके बारे में समझेंगे कि वास्तव में क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन बॉन्ड्स की। कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं बच्चों ये, और ये स्पेशली देखे जाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके बारे उनको मैं बता दूं, एक सीनियर फैकल्टी वाइब्रेंट एकेडमी एलन कोटा, मायसेल्फ पीयूष महेश्वरी, एक्स एच ओ डी बंसल क्लासेस कोटा, 11 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड कई सारे बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना। टॉपर्स का नाम इसलिए लिख देते हैं, कई बार आप नाम सुने हुए होते हैं इस वजह से, ठीक है ना, एक विश्वास सा बनता है कि हाँ नहीं ठीक है यार, पढ़ा रखा है इंसान ने। बाकी तो सबका अपना अपना टेस्ट है, पढ़ने के बाद पता चलता है कैसे है क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा, आज बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार, हाँ ठीक है, बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनको हम बोलते हैं हाइपोवेलेंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोवेलेंट स्पीशीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या हाइपोवेलेंट स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं लेस देन 8, है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे भी करके अपने आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते हैं कैसे भी करके। तो दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो कैसे भी करके कोशिश करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकेंगे, खुद भी भटकेंगे, ठीक है ना, और दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि कमी है इलेक्ट्रॉन की। जैसे प्यासा कौवा जो होता है ना बेटा, प्यासा कौवा, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ठीक है ना, इन सर्च ऑफ वाटर, है ना, ही इज फ्लाइंग हियर एंड देयर, वो कुछ इस तरीके से एक कहानी है, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ठीक है ना, एक प्यासा कई कौवा जिस तरीके से पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है। और इलेक्ट्रॉन की तलाश में जब यहाँ वहाँ भटकती है तो वो कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहती है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, चाहे जुगाड़ हो जाए, सूडो एनवायरनमेंट बन जाए, ऐसे झूठी फीलिंग आ जाए कि हाँ भैया 8 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो गया है, लोगों को दिखाने के लिए ही हो जाए कि नहीं भैया हम इंटरनली डेफिशिएंट नहीं है, है ना, वो इंटरनली वो डेफिशिएंट है वो जानते हैं। तो उसके जुगाड़ के चक्कर में नए नए तरीके के बॉन्ड बनने चालू, और सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड मतलब पीछे से बनने वाला बॉन्ड, ऐसा नहीं है बाद में बनने वाला बॉन्ड, इसको ऐसे बोल सकते हैं बाद में बनने वाला बॉन्ड, ठीक है ना। बैक बॉन्ड मतलब बाद में बनने वाला बॉन्ड, जनरली हमको वो दिखता नहीं है, वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ बच्चों, BF3 एंड BCl3। अब मैं सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनाऊं BF3 का, तो BF3 का सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, BCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों
नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पर अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डेल्टा पॉजिटिव बहुत जबरदस्त होगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव उतना जबरदस्त नहीं होगा। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें लुईस एसिडिक नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस एसिडिक नेचर, दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है हम उसी को बोलते हैं लुईस एसिड। तो BF3 का बच्चों लुईस एसिडिक नेचर BCl3 से ज्यादा होता है, BF3 का लुईस एसिडिक नेचर BCl3 से ज्यादा होता है। अगर इस तरीके से चले, अगर इस तरीके से चले कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, इस तरीके से अगर चले तो ठीक है ना, बहुत कमी हो जाएगी, दूसरों से लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है? ठीक है ना, मतलब ये मान लो ये वो प्यासा कौआ है जो गर्मी के दिनों में घूम रहा है, ये प्यासा कौआ सर्दी के दिनों में घूम रहा है। तो गर्मी के जो दिन है वो गर्मी के दिन जो है वो इसके अंदर पानी की प्यास को और बढ़ा देंगे, पानी की प्यास को और बढ़ा देंगे, और पानी की प्यास को और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे इसकी प्यास जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आएगा? तो इसकी प्यास बढ़ जाएगी लुईस एसिडिक नेचर। बट प्रैक्टिकली लुईस एसिडिक नेचर, लुईस एसिडिक नेचर बच्चों BF3 का जो है वो कम होगा BCl3 से। क्यों होगा? उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी हमें किसे बच्चों, बैक बॉन्ड की। अब ऐसा क्या हो गया कि गर्मी में भी उस प्यासे कौए को प्यास नहीं लगी? ऑब्वियस सी बात है, उसको पानी का जुगाड़ मिल गया होगा, सर्दी में मिल नहीं पा रहा होगा पानी का जुगाड़, गर्मी में मिल गया होगा, और गर्मी में मिल गया होगा तो उसको वहां पे है ना कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, वो आराम से है ना, उसने प्यास अब बुझ चुकी है उसकी, कम हो चुकी। कैसे? समझे मेरी बात को, है ना, ये इस चीज को ही तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है किसकी, बैक बॉन्डिंग की। जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज देखने को जो मिल रही है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज देखने को जो मिल रही है, जो हम सोच रहे थे उससे अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है, तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी बच्चों, एक नए तरीके की बॉन्ड की, और जिसको बोलेंगे बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? बैक बॉन्ड बोलेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं बैक बॉन्ड की कहानी, पीएमएस की जीवानी। देखें यहाँ पे बीएफ थ्री की बात कर रहे हैं और बीसीएल थ्री की बात कर रहे हैं। बीएफ थ्री बच्चों, ये बी एफ एफ और एफ, क्या हुआ यहाँ पे कि जिसको ढूंढा गली गली है वो तो यही मिल गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये बी सी एल, हाँ ये बी सी एल, वो बी एफ फ्लोरीन के पास था क्या? लोन पेयर। फ्लोरीन के पास क्या था बच्चों? लोन पेयर। क्लोरीन के पास भी क्या था? लोन पेयर। तो थर्स्टी क्रो प्यासा कौआ कह रहा है, अरे भाई तुम तो यहीं थे, हम तो तुम्हें गली गली ढूंढ रहे थे। तो फ्लोरीन कह रहा, बाबू ऐसा है कि तुम्हें लोन पेयर चाहिए? हाँ ले लो, पर हम क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम तुमसे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम तुम्हें देंगे और तुमसे लोन पेयर खींच लेंगे। समझ रहे हो? हम तुम्हें लोन पेयर देंगे और तुमसे लोन पेयर खींच लेंगे। तो बस वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है, पर हाँ हम तुम्हारा जुगाड़ चला देंगे अभी, है ना, हम तुम्हारा जुगाड़ चला देंगे, तुम्हारे को दुनिया को ऐसे दिखाने को मिलेगा कि हाँ भाई तुम इतने डेफिशिएंट नहीं हो जितने दुनिया समझ रही थी, ठीक है ना। तो तुम इतने मतलब इंटरनली एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोरिन क्लोरिन बोरोन के साथ में कि दुनिया को जितना लग रहा था ना कि यार बी एफ थ्री तो भाई सौ, अरे तेरी तो इतना भयंकर डेफिशिएंट ना, इतना भयंकर डेफिशिएंट होना ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि होना चाहिए था ना, पर नहीं होता। दुनिया के मुंह पे तमाचा मार दिया बीएफ थ्री ने, बीएफ थ्री ने दुनिया की सोच जो थी है ना उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रहार कर दिया भाई साहब। ये फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरनली सिस्टम के थ्रू एक
इसको दे दिए, और ऐसे बनने वाले बॉन्ड को वैसे अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि सिग्मा के बाद में जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, इंटरनली लोन पेयर डोनेशन हो चुका है इंटरनली। अब यहां पे देखा कि ये है बच्चों सेकंड पीरियड का, और ये है बच्चों सेकंड पीरियड का, ये है बच्चों सेकंड पीरियड का, और ये है थर्ड पीरियड का। अब देखा अच्छा, तो ये चक्कर हुआ कि फ्लोरीन था सेकंड पीरियड का, और सेकंड सेकंड के बीच में होती है जबरदस्त ओवरलैपिंग, सेकंड सेकंड के बीच में होती है जबरदस्त ओवरलैपिंग, और थर्ड और सेकंड के बीच में होती है थोड़ी वीक ओवरलैपिंग। समझ में आ रही है बात? तो ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लिखते हैं यहां पे, तो समझ में आएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग BF3 में बच्चों ज्यादा होगी किससे, BCL3 से। क्यों? क्योंकि यहां पे 2P pi बॉन्ड बन रहा है बच्चों, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है 2P pi 3P pi से। तो फिर क्या करें, फिर हो गया काम सारा का सारा। इसने इंटरनली मतलब कौवा गली 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 घूम रहा था, गांव गांव शहर शहर घूम रहा था, जंगल जंगल घूम रहा था, और उस कौवे को पता चला उसी के पास में थैली थी जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। समझ में आ रही है? तो फटाफट से उसने उस थैली से पानी को पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। समझ में आ गया? ये सेकंड पीरियड ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे फ्लोरीन इंटरनली इसको जब लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा तो जो डेफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसमें कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसमें कमी हो जाएगी। इस तरीके से जो ये बॉन्ड बनेगा ना बच्चों, इसको बोलेंगे अपन बैक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। अब एक्सप्लेन हो पा रहा है ना, बैक बॉन्ड फील हो पा रहा है? बैक बॉन्ड का मतलब बाद में जो बना है। अब बाद में कैसे बना है? एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, दूसरे के पास लोन पेयर था, तो उस वजह से यहाँ पे बन गया है क्या, बैक बॉन्ड। ठीक है, इसलिए BF3 का जो लुईस एसिडिक नेचर हम बोल रहे थे प्रैक्टिकली वो कम है किससे, BCL3 से। ये था थ्योरिटिकली, है ना, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव जबरदस्त आ रहा था इसके कंपैरिजन में, तो इसकी एक्सेप्टेंस टेंडेंसी बहुत अच्छी होने वाली थी। पर बैक बॉन्ड होने से इंटरनली इसको लोन पे मिल गया, तो अब इसको पानी को तलाश करने की इच्छा कम हो गई। तो सर हम इसको क्या पाई बॉन्ड बोल सकते हैं? हाँ, ये एक तरीके का पाई बॉन्ड है, पर ये पार्शियल पाई बॉन्ड है बच्चों। बैक बॉन्ड एक तरीके का क्या है? पार्शियल पाई बॉन्ड है। क्यों है पार्शियल पाई बॉन्ड? पार्शियल क्यों है? क्योंकि बेटा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन देता है और खींच लेता है। वो पुरानी मूवीज में नहीं होता था, लाला टाइप के लोग होते थे, लाला उधार देते थे और सारा पैसा खींच लेते थे, ठीक है ना। तो वो ये फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे लाला है, ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर देंगे बोरोन को और कहेंगे देखो तो हम तुम्हें लोन पेयर देने, ये अलग बात है, पर देखो बाय नेचर हम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से देखो हम देंगे पर खींचेंगे, देखो तुम्हें चाहिए वो, ठीक है। तो बोरोन कहता है यार ठीक है यार भैया दे दो, जब तक नहीं मिल रहा इंटरनली दे दो यार। इंटरनली देने से क्या है कि चलो थोड़ी देर दुनिया को दिखाने के लिए तो हमारी डेफिशिएंसी कम होगी, पर इंटरनली वो बोरोन जानता है बच्चों कि उसकी डेफिशिएंसी कम हुई ना हुई, क्योंकि अपने आप को अपने से ज्यादा कोई और जान ही नहीं सकता है ना, अपने आप को अपने से ज्यादा कोई और जान ही नहीं सकता। तो इंटरनली बोरोन जान रहा है कि उसकी डेफिशिएंसी कम हुई नहीं हुई। हाँ पर ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया है और खींच लिया हो इंटरनली, ठीक है, इसलिए दिया और खींच लिया। तो हमेशा वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसके ऊपर ज्यादा रहेगा, फ्लोरीन के ऊपर ही ज्यादा रहेगा, इसलिए अपन इसको पार्शियल पाई बॉन्ड बोलते हैं। और पार्शियल होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो डेफिशिएंट रह जाता है। समझ में आ गई बात? पार्शियल पाई बॉन्ड बोलते हैं।
अब और पॉइंट समझो क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और एक के पास लोन पेयर, पर इंटरनली होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर। कौन सा? इंट्रा मोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, है ना, इंट्रा मोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है बच्चों। ये अंदर ही अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? लुईस एसिड लुईस बेस वाला बॉन्ड बन रहा है, अंदर ही अंदर लुईस एसिड लुईस बेस वाला बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं बैकबॉन्ड। बैकबॉन्ड की डेफिनेशन आगे, पार्शियल पाई बॉन्ड इंट्रा इज अ टाइप ऑफ इंट्रा मोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। तो अब चलते हैं अपन कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कंडीशन फॉर बैकबॉन्ड। तो बेटा बैकबॉन्ड के अंदर अपन ने देखा क्या बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? तो छोटा बॉन्ड होता है, छोटा बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। पार्श मतलब पाई बॉन्ड जो है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और कोलेटरल ओवरलैपिंग के लिए साइज का छोटा होना बहुत जरूरी है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है ना तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। जैसे बोलते हैं ना एट रूम टेम्परेचर ओ टू एग्जिस्ट बट एस टू डज नॉट एग्जिस्ट, एन टू एग्जिस्ट बट पी टू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे थ्री पी पाई बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो कंडीशन फॉर बैकबोन में आपको क्या देखना है? वो तो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर तो देखना ही। एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल तो देखना ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पर इसके अलावा और क्या देखना? कंडीशन फॉर बैकबॉन्ड में सबसे पहली बात आती है साइज फैक्टर, है ना बच्चों, साइज फैक्टर देखना है। साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला 2p pi ओवरलैपिंग होगी, आराम से होगी, सेकंड सेकंड चलेगा, सेकंड थर्ड भी चलेगा, पर थर्ड थर्ड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा थर्ड थर्ड? वही, अरे भैया इधर देखो ना, साइज बड़ा हो गया, और साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, समझ गए। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सेकंड फोर्थ के अंदर, तो सेकंड फोर्थ में भी नहीं मिला, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है एक, और इस एक्सेप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों। तो NgH3 होल थ्राइस सिर्फ इसी के अंदर मिला, बाकी किसी में नहीं मिला। तो जिसमें नहीं मिला नहीं मिला, मिला मिला, क्योंकि हम तो यहाँ प्रैक्टिकल चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको जरूर से बताया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सेकंड सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड थर्ड, और सेकंड फोर्थ। तो अब यह आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी अपन को बैकबॉन्ड देखना है या अच्छा बैकबॉन्ड देखना है, उसके लिए हम ज्यादातर दिमाग लगाएंगे सेकंड सेकंड या सेकंड थर्ड पे, ठीक है ना। उससे ज्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहली कंडीशन ली अपन ने BeF2। अब कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसके अंदर बैकबॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो उससे क्या आप बैकबॉन्डिंग की फील आएगी आपके सामने, जब मॉलिक्यूल आएगा तो आप बैकबॉन्डिंग को पहचान पाओगे कि बैकबॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहला काम, ये सेकेंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, ये लोन पे, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पे, ये लोन पेयर, ये इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कौन सी हो रही है? 2p pi बैकबॉन्डिंग, एरो उसकी तरफ जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट भी सेकंड में कर रहा है इस वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन BeCl2 के ऊपर। क्या BeCl2 में बैकबॉन्डिंग है? हाँ भाई साहब है, जबरदस्त है। क्यों है? क्योंकि ये हो गया आपका सेकंड पीरियड का, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो ये थर्ड से सेकंड की तरफ जा रही है, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल जा रहा है, इस वजह से हम बोलते हैं बच्चों इसको 3p pi
2p5 बैकबॉन्डिंग, क्योंकि 3p से 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3p π 2p π बैकबॉन्डिंग। अब इसके बाद बात आती है BCN2 के बाद में BF3। ये अभी अपन ने देखा, ये सेकंड पीरियड है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर। हाँ बच्चों, कौन सी बैकबॉन्डिंग? 2p π 2p π बैकबॉन्डिंग। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में BCl3 पे आ गए बच्चों। BCl3 में चले तो बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, ये जाएगा इसके अंदर, ये 3p π 2p π बैकबॉन्डिंग हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब चले आगे की ओर। पूछा भैया BH3BO3 में क्या बैकबॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी, देखते हैं। H3BO3 बी OH, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बेटा? दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर में से हर एक लोन पेयर बोरोन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, तो सर पर बोरोन के पास तो एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा। रेजोनेंस का नाम सुना ना? तो रेजोनेंस वो वाला रेजोनेंस नहीं, ये अपना जो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये सब तरफ से इसको लोन पेयर देगा, जैसे कार्बोनेट आयन होता है बच्चों। कार्बोनेट आयन में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं अपन के भैया ये सिंगल है ये डबल है, या तो सब में पार्शियल पाई कैरेक्टर होते हैं रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि कार्बन का एक वेकेंट एक ऑर्बिटल जो है वो इन तीनों के साथ में ऐसे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से तीनों ऑक्सीजन के, तो सर यहाँ पे भी ये वाला क्लोरीन भी ये वाले फ्लोरीन भी, हाँ बेटा सब करेंगे ओवरलैपिंग, इक्वल मौका मिलेगा ना। आप ऐसे थोड़ी ना करो नहीं नहीं भैया एक ही दे दो, सब देंगे, इधर से भी दिया जाएगा इधर से भी दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो सर बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे बॉन्ड, तो ये एक ही बना पाएगा ना, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल तो एक ही है। यहाँ पे BF3 के पास एक ही तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। चार कैसे? चार ही बनेंगे ना, चार से ज्यादा ऐसे थोड़ी ना, इधर से भी दिलवा दो इधर से भी दिलवा दो छह बना दो, ना बेटा ना, कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे, चार से ज्यादा नहीं बनेंगे। H3BO3 लिया, लोन पेयर चला गया। अब लोन पेयर चला गया तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 का sp2 रहा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से sp2 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है, पहले भी sp2 था अभी भी sp2 है, पहले भी sp था अभी भी sp है, बोरोन पहले भी sp2 था अभी भी sp2 है, पर ऑक्सीजन ड्यू टू बैकबॉन्डिंग, बहुत सिंपल है, रट्टा नहीं लगाना है, लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया बच्चों। और जब लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे बैकबॉन्ड बन जाएगा, सिंपल सी बात है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो H3BO3 में बोरोन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है, क्योंकि सब कुछ sp2 है, ये भी sp2 ये भी sp2, तो सब कुछ सेम प्लेन में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अब कौन सी बैकबॉन्डिंग है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सेकंड पीरियड वाले हमेशा 2p π 2p π ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी करेंगे? 2p π 2p π ओवरलैपिंग करेंगे। नेक्स्ट देखे H3BO3 के बाद में BNH2 होल थ्राइस, तो यहाँ पे B आएगा बच्चों, NH आएगा, है ना, यहाँ पे भी NH2 और यहाँ पे भी NH2 आ जाएगा, ठीक। ये लोन पेयर ले लिया अपन ने, अब ये लोन पेयर बच्चों, सॉरी गलत जगह लोन पेयर आ गया ना, हाँ ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेटा, ये गया लोन पेयर, चलिए ये लोन पेयर, ये बोरोन का वेकेंट ऑर्बिटल। अब खुद सोचो कि ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp2 हो जाएगा, और बोरोन, ये ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, हाँ बेटा बोरोन नाइट्रोजन, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, दोनों सेकंड पीरियड वाले हैं, तो 2p π 2p π ओवरलैपिंग हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों, बहुत ही फेमस एग्जांपल, बोरेक्स। बोरेक्स अभी कंपाउंड ऑफ बोरोन चल रहा है, फिर कार्बन, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4,
O7.10H2। इसको तोड़ के लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो इस कुछ इस तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला Na2B4O5OH4.8H2। और इसको भी तोड़ा तो 2Na+B4O5OH4- बोलिए, ठीक है। अब इसमें से भी ये देखो आप, एक साइक्लिक फॉर्म नजर आ रही है, तो साइक्लिक फॉर्म कब नजर आएगी, जब ये एक्स्ट्रा चार्ज वाली स्पीशीज हटा देंगे, मतलब B4O4OH4+O-2। अरे वाह, अब तो स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। देखो यहाँ पे BOB OB 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 O है ना, OH 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 OH। बेटा ये चार्ज मैंने बीच में जो ऑक्सीजन जोड़ी है, ये वाली ऑक्सीजन है, पर सॉरी इस ऑक्सीजन पे तो माइनस टू था बेटा, वो लोन ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाया और बोरोन ने चार बॉन्ड बना लिया। आप तो सिंपली समझो, बोरोन चार बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फील करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। तो अब यहां पे देखो ये है बेटा लोन पेयर डोनर साइट, ये लोन पेयर देंगे इसको, है ना। कलर दूसरा करूं, कलर दूसरा करते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको फील भी आएगी, ठीक है ना। तो पहले तो आपको बोरोन के बारे में पता चल गया होगा कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब यहां से देखो, ये वाला पार्ट अलग करो, ये वाला पार्ट अलग करो, ये वाला पार्ट में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये और ये बैक बॉन्डिंग में जाएंगे, ये और ये बैक बॉन्डिंग में जाएंगे, ये बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो पूछा नंबर ऑफ BOB लिंकेज, कितने BOB लिंकेज होंगे बच्चों, जल्दी से देखो, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ BOB लिंकेज 5, ठीक है ना। पूछा के नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन, है ना, बोरोन 2, sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन बच्चों 2, क्योंकि आधे तो sp2 है, आधे sp3 है। पूछा बैक बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बोरोन हैविंग बैक बॉन्डिंग, हैविंग बैक बॉन्ड कितने होंगे बच्चों, जिनमें बैक बॉन्ड हो रहा है वो 2 है, क्योंकि वो sp2 वाले ही होंगे, क्योंकि sp3 के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि बोरोन है बच्चों सेकंड पीरियड का, और सेकंड पीरियड वालों के पास तो होता ही नहीं है क्या वैकेंट ऑर्बिटल, डी वाला 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से पूछा कौन सा बैक बॉन्ड बना है, तो बहुत सिंपल के बोरोन सेकंड पीरियड है ना बच्चों, और साथ में ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो पाई बॉन्ड 2p pi बैक बॉन्ड है ना बच्चों, 2p pi बैक बॉन्ड हो जाएगा, समझ में आ गई बात, 2p pi बैक बॉन्ड, क्लियर। चलो आगे बढ़े, ये था बोरेक्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ध्यान रहे इस चीज का। नेक्स्ट आता है आपके पास में B3N3H6, जिसको बोलते हैं बच्चों बोराजीन या बोराजोल, एक और वर्ड बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि ये किसके जैसी लगती है, बेंजीन के जैसी, बेंजीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये बेंजीन की, कैसे देखो बी, अच्छा एक बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बन के, 4 नाइट्रोजन के, 5,
तो दो कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन किस में है, बी और एन में है, बी प्लस एन इज इक्वल टू टू सी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तीन पांच इज इक्वल टू टू इंटू फोर, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए तो बच्चों बी थ्री एन थ्री एच सिक्स इज इक्वल टू सी सिक्स एच सिक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। कैसे? अरे बहुत सिंपल भैया, टू सी थ्री एच थ्री है ना, और टू इंटू क्या कर दू बी थ्री एन थ्री एच थ्री, खत्म। समझ में आई क्या बात है ना? अरे ये तो बहुत सारे हो गए, गलत कर दिया ना बाबू, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक का गच्चा हो गया है। चलो 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 कोई बात नहीं, तीन से कर लो, तीन से डिवाइड कर लो, तीन से डिवाइड करो तो पता चलेगा कि इक्वल कैसे है। ऐसे तो दिख रहा है इक्वल है, पर ठीक है कोई बात नहीं। थ्री, हाँ बेटा बी एन एच सिक्स, ये देखो ऐसे कर दिया मैंने, और इसको कर देता हूँ मैं थ्री सी टू सी है ना एच सिक्स, तो टू सी बी एन इक्वल है थ्री से थ्री, एच से एच, सिक्स से सिक्स, गया काम से। तो इस वजह से ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसकी, सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन की, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है समझना, सब पे एक एक हाइड्रोजन चिपका रहा हूँ बेटा, ये चिपका दिया। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, चलो पहले इधर भेज देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया आपका टू पी पाई, टू पी पाई बैक बॉन्ड। और बच्चों इसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको हम कौन सी, ये तो टू पी पाई ओवरलैपिंग। अब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एज लाइक बेंजीन, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, बहुत बढ़िया बात। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब अगर मैं बनाने की इसमें कोशिश करूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे बनेगा बी एन बी एन बी एन एच 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 एच, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है अभी भी, क्यों है, क्योंकि मैंने समझाया था ना बैकबोन है, दुनिया को दिखाने के लिए है, पर बोरोन की स्थिति बोरोन जानता है भैया। यहाँ देखो ये इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देगा खींच लेगा, देगा खींच लेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, समझ रहे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बोरोन पे कम है, नाइट्रोजन पे ज्यादा है। पर यही अगर मैं कार्बन की बात करता, सी 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 सी, तो ये आप देखो यहाँ पे अपने आप ही आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो सब जगह सेम नजर आएगी, क्योंकि सारे एटम एक जैसे है। इस वजह से बेटा यहाँ पे अब आप फील करो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा होगी। कैसे, ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा बेटा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, पर ये 100% एरोमेटिक नेचर का नहीं होगा, मतलब जितना एरोमेटिक ये उतना नहीं होगा, क्योंकि 100% डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोकलाइजेशन भी हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा नजर आ रहा है, और ज्यादा नजर आने की वजह से लोकलाइजेशन बोलेंगे इसको, और अपन यही बोलेंगे कि यहाँ पे डेफिशिएंसी पूरी तरीके से कम नहीं हुई है, समझ गए, पूरी तरीके से डेफिशिएंसी कम नहीं हुई है, समझ गए। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बोराजीन बोराजोल का रोल। आगे बढ़ते हैं, बाकी रिएक्शन भी आती है इसकी, आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब मैं सी सिक्स एच सिक्स की रिएक्शन एच सी एल से कराता हूँ रूम टेम्परेचर पे, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, पर जब मैं बी थ्री एन थ्री एच सिक्स की रिएक्शन कराता हूँ तो बावड़े की तरह ये रिएक्शन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिच है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन था? नाइट्रोजन था। तो इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? एच के ऊपर।
यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, सीएल है, सीएल माइनस वो अटैक करेगा बोरोन के ऊपर, तो कंपाउंड जो बनता है वो कुछ इस तरीके का हर एक बोरोन पे, हर एक नाइट्रोजन पे, एक एक हाइड्रोजन तो पहले से ही सुशोभित है ना, सजी हुई है, पहले से ही वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ लग जाएगा क्लोरीन, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ लग जाएगा क्लोरीन, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर, समझ गए। ये है इनकी रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में बात। क्या है ये, एरोमेटिक है, बिल्कुल है एरोमेटिक है, बट नॉट 100%, ठीक है 100% एरोमेटिक नहीं है, पर है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर आपके पास है B3O3OH3, कॉमन इंटीजर आ चुका है बच्चों, कॉमन इंटीजर की वैल्यू 3 है, और 3 वैल्यू होने पे स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो BOB OB OH 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 और OH, ये अपना लोन पेयर जो है वो इधर से इधर डोनेट, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, है ना, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, ठीक है। तो सब जगह बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये एरोमेटिक होगा, वही चक्कर सॉरी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा, समझ में आ गई बात, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, एज लाइक बेंजीन ही लिख रहा हूं मैं, एज लाइक बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये B3O3OH3 हो गया। अब आगे स्ट्रक्चर्स की तरफ और चलते हैं, ठीक। अब पॉइंट आता है अपने पास में BF3 के बाद में, नीचे की तरफ आते हैं, AlF3 में क्या बैक बॉन्डिंग होगी। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में देखते हो, अरे वाओ एलन एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का है और फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पर नहीं मुन्ना नहीं, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड नहीं होती है। ये वो Al+3 है और F- है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब बात आती है AlCl3 की, एल्यूमिनियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ये है थर्ड पीरियड वाला, ये भी थर्ड पीरियड वाला, और इस तरीके से थर्ड पीरियड में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, थर्ड पीरियड में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, AlCl3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो फिर बच्चों को लगा कि सर वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, भैया आगे और भी बॉन्ड आएंगे, जुगाड़ करवाएंगे, इनका चिंता मत करो, इनकी डेफिशिएंसी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जिसके मन में लगन है डेफिशिएंसी को कम करने की, उसकी डेफिशिएंसी कम करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, समझ में आई बात, तो परेशान नहीं होना। हाँ अब सोचो AlCl3 में नहीं हो रही है बैक बॉन्डिंग, तो क्या AlBr3 में होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई जब ये छोटे साइज वाले नहीं कर पा रहे, थर्ड नहीं कर पा रहे, थर्ड फोर्थ कर पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, है ना, नेक्स्ट सर CF3 नेगेटिव CCl3 नेगेटिव आउट, इसको समझते हैं, कार्बन नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन कार्बन नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन हाँ भाई, यहाँ पे देखें लोन पेयर की भरमार है सर, ये तो डेफिशिएंट नहीं है, पर बेटा डेफिशिएंट होते होते हमें एक बैक बॉन्डिंग की समझ आ गई कि बैक बॉन्ड कब कब हो सकता है, कब कब नहीं हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग की हमको एक समझ आ गई है, अब हम उसको आगे दूसरी स्पीशीज में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे, है ना भाई, डेफिशिएंसी कम करना तो है ही सही, पर आप ओवरऑल बात समझो तो के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है,
और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो यार अच्छी बात है, मतलब 8 से ज्यादा अगर बॉन्ड भी बन जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। ज्यादा बॉन्ड बनने से तो स्टेबिलिटी आती है, कोई कमी थोड़ी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना ज्यादा बॉन्ड बनाने में, समझ गए ना। तो ये है बच्चों सेकेंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड का पर बच्चों यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे बिग बॉन्डिंग जो है ना बच्चों वो हो ही नहीं सकती। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 का sp3 ही रहेगा और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें CCl3 नेगेटिव की, CCl3 नेगेटिव की, तो कार्बन और 3 क्लोरीन, तो ये लोन पेयर हो गए। अब वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, क्लोरीन के पास है। अब इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, पर क्लोरीन के लोन पेयर क्या कहेंगे, अरे यार ये क्या बात होती है, हमें तो सही यार जबरदस्ती खींचने का जरूरत आ रही है, फालतू नाटक क्यों कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। क्लोरीन के लोन पेयर क्लोरीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे यार हम है तो सही यार, तेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट है, जबरदस्ती नाटक क्यों कर रहा है, ऐसे वैसे ही। पर क्लोरीन के न्यूक्लियस को तो मजे आ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको बुरे लगते हैं, अच्छे मजे आ रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, शानदार, वाह यार बहुत बढ़िया। तो क्लोरीन का न्यूक्लियस भैया अगर दमदार होगा ना तो खींच लेगा, नहीं तो वो लोन पेयर ब्लैकमेल करते रहेंगे और वो खींच ही नहीं पाएगा बेचारा लोन पेयर को। तो ये कब पॉसिबल है, आप समझो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अच्छी खास, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, मतलब दाव लगाने की इच्छा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इच्छा क्या हो रही है, जबरदस्त हो रही है। क्लोरीन क्या कहेगा, भाड़ में जाओ सारो, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है कार्बन से, मैं तो खींचूंगा, तुम्हारी मर्जी आए जो कर लो। लोन पेयर भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भाई साहब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लोन पेयर में दम है उसके, उसका जेड इफेक्टिव अच्छा खासा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो वो तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, तो वो खींच लेगा, और खींचते ही बच्चों ये बन जाएगा CCl और Cl, और ये हो गई बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग होते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बैक बॉन्डिंग होते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। बात समझ में आई क्या, इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा CCl3 का। अब क्लोरीन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जाके बैक बॉन्डिंग कौन सी आपको देखने को मिलेगी, 2p π 3d π बैक बॉन्डिंग मिलेगी, समझ में आई बात। अभी और एग्जाम्पल लिखेंगे तब ये नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन है। CCl3 के बाद में एक और एग्जाम्पल आता है NF3। NF3 में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो NF3 का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 का sp2 ही रहेगा। पर अगर मैं NCl3 ले लूं, NCl3 तो NCl3 के अंदर बच्चों अब वही यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, पर आपको पता होगा बच्चों कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा होती है, पर ऑलमोस्ट सेम होती है। अब ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इधर से इसके लोन पेयर इसको देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लोन पेयर ने नोटंकी चालू कर दी, यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, क्लोरीन भाई साहब आप बार बार लोन पेयर ले लोगे गा यार, ऐसे थोड़ी ना होता, हम भी तो हैं यार, अब तो यार आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, आप खींच ही नहीं पाओगे यार, हमारा रिपल्जन ज्यादा लग रहा है, अब ब्लैकमेलिंग चालू हो गई, ऐसे थोड़ी ना यार कि हमारे लोन पेयर होते हुए यार आपकी ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, थोड़ी तो शर्म करो यार कि नाइट्रोजन से लोन पेयर जबरदस्ती खींचने में लगे हुए, या तो हमने आपको मौका दे दिया भाई साहब कि चलो ठीक है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, खींच लो यार खींच लो, चलो कोई बात नहीं खींच लो, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा था, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है यार, खींच के क्या करो। क्लोरीन ने सोचा यार एक तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऊपर से यार ये लोन पेयर अलग रिपेल कर रहे हैं, तो यार गड़बड़ नहीं हो जाए यार, सिस्टम अनस्टेबल नहीं हो जाए, तो ऐसा करो यार छोड़ो रे बाहर में जाए, अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, जबरदस्ती मतलब ज्यादा डिससेटिस्फाई करने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोरीन
लोन पेयर करो, अरे भाई साहब क्लोरीन भी आपकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन थोड़ा सपोर्ट, लोन पेयर का सपोर्ट मिल रहा है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ले लो यार आप तो, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ लोन पेयर मना कर रहे हैं, यार देखो यार भैया, यार भैया यार देखो यार आपके यार भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी यार है नहीं यार, नाइट्रोजन से ज़्यादा तो जबरदस्ती खींच के क्या करोगे यार, क्योंकि हम भी तो है ना यार, तो हम भी तो रिपेल करेंगे ना यार कुछ ना कुछ। तो ये लोन पेयर जब एक्सेप्टर एटम के पास लोन पेयर आ जाए ना तो दिक्कत होती है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, पर बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी sp3 रहेगा, यहाँ पे भी sp3 रहेगा, और ये बैक बॉन्ड जो है ना, बैक बॉन्ड वो देखने को नहीं मिलेगा, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग का मतलब बैक बॉन्ड की कंडीशंस तो है, माहौल तो है बैक बॉन्ड का, पर बन नहीं पा रहा, इफेक्टिवनेस नहीं आ रही। इफेक्टिवनेस कब आती, जब ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता एज लाइक CCl3 नेगेटिव, पर बैक बॉन्डिंग का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ गई वर्ड समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मान लो बैक बॉन्डिंग है पर उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये लोकलाइज ही रहेगा, डीलोकलाइज नहीं होगा, लोकलाइज ही रहेगा, डीलोकलाइज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये और भी एक दो एग्जांपल है, आगे चलते हैं अपन। जैसे मैंने ले लिया OF2, तो सर ये हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा, नहीं, जब एक्सेप्टर के पास में लोन पेयर हो सिर्फ तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रहे। OF2 येलो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं रहेगी। अब वही सेम कंडीशन OCl2, ये देखो यहाँ पे माना क्लोरीन के पास लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्लोरीन खींच ही नहीं पाएगा लोन पेयर होते हुए, सिर्फ ये लोन पेयर होते हुए। सर आपने तो कहा फिर BF3 में बैक बॉन्डिंग, अरे भाई क्योंकि यहाँ एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है ना, इसलिए ये कंडीशन नहीं लगाई। मैं कंडीशन लिख देता हूँ, परेशान नहीं होना है। कंडीशन नंबर टू इसको बोलते हैं इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ऑक्सीजन sp3 का sp3 ही रहेगा। समझ में आ गई बात, sp3 का sp3 रहेगा। कई लोग कहते हैं कि सर sp2 और sp3 के बीच में होगा, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होगा या sp3 होगा, बीच में जो होता है ना वो बॉन्ड के अंदर होता है, तो हर कहीं भी देखने को मिल सकता है जहाँ डिस्टोर्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो बीच वाली बात नहीं कर रहे अपन, एवरेज बात कर रहे, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कंडीशन नंबर टू, व्हेन एक्सेप्टर एटम कंटेन्स लोन पेयर, When acceptor atom contains lone pair, जब acceptor atom क्या ले ले, lone pair ले ले, तो acceptor atom अगर lone pair ले लेगा, मतलब acceptor atom के पास lone pair है, पहले से है, तो effective back bonding, effective back bonding मतलब change in hybridization, change in properties, effective back bonding is possible when electronegativity of acceptor atom sufficiently, acceptor atom is greater than electronegativity of donor atom, जैसे यहां पे हुआ था पिछले में, है ना बेटा, क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की ज्यादा थी इसलिए हो गया, यहां ऑलमोस्ट सेम थी इसलिए नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट सेम के केस में नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब चलते हैं अपन और एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने लिया NMe3 और NSiH3 होल थ्राइस, यहां देखो, अब ये नाइट्रोजन, पहले अपन को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसमें बैक बॉन्डिंग है किसमें नहीं है, तभी तो बच्चों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम जो है वो एग्जाम्पल इसीलिए इतने सारे डिस्कस कर रहे हैं कि आप पहले बैक बॉन्डिंग को फील कर सके। यहाँ देखो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है वो इधर जा रहा है, जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर तो तभी लगाएंगे ना भाई,
जब एक्सेप्टर के पास में लोड पे हो है ही नहीं तो आराम से बैक बॉन्डिंग होगी। ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना, है ना, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, समझ में आ रही है? वो कौन सा है? डी ऑर्बिटल है वेकेंट। ये सेकेंड पीरियड का है, आराम से 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, है ना। और नाइट्रोजन का आयोडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। पर यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। ये लोन पेयर जो है वो लोकलाइज लोन पेयर है, एक ही जगह है, लोकलाइज है, लोकलाइज है, जबकि ये वाला डीलोकलाइज है, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज है। बात समझ में आ गई? एक लोकलाइज है, दूसरा डीलोकलाइज है। अब इसमें और आगे की तरफ एक और एग्जांपल आ रहा था अपना, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसमें सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड है, बैक बॉन्डिंग है 2p पाई 4d पाई बैक बॉन्डिंग है बच्चों। एक ही एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, सेम इसी तरीके से है। एन मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और इसके पीछे एक रीज़न इसके बल्की ग्रुप का होने का भी है कि जर्मेनियम का साइज बहुत बड़ा है, और तीन तीन जर्मेनियम आने की वजह से वो पूरा का पूरा होना चाहिए था पिरामिडल और फेल जाता है, ऐसे यूं करके फेल जाता, प्लेनर हो जाता है। पर अगर मैं बात करूं तीन और एग्जांपल इसी के नीचे अगर अपन डिस्कस करें, तो अपने पास एक तो CH3 NCS, एक है SiH3 NCS, एक है GH3 NCS। अब इसको समझो, यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S CH3, ये लोन पेयर, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ आ जाते हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे आ जाएगा SiH3, लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग होगी, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp3। यहाँ पे देखें तो यहाँ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और ये हो जाएगा आपका GH3। पर वही अपना अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा, सेकेंड पीरियड फोर्थ पीरियड कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 ही रहेगा, सॉरी ये sp2 ही रहेगा, ये sp हो जाएगा, माय मिस्टेक, sp3 का sp3 रहेगा, sp2 से sp हो जाएगा, और ये sp2 का sp2 ही रहेगा, क्योंकि कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि सेकंड पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है। सर डिफरेंस, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, ये एक ग्रुप था या तीन ग्रुप थे, तो तीन ग्रुप के बीच में बल्कि ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन इतना ज्यादा, वो प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया तो sp2 हो गया, sp2 हो गया तो अब आपको बोलना ही पड़ेगा बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि वो लोन पेयर नहीं रहा, लोन पेयर का इफेक्ट नहीं रहा, इस वजह से आपको बोलना ही पड़ेगा बैक बॉन्डिंग हो गई। पर यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बेंट रहता है, ये बेंट रहता है, sp2 है, बेंट रहता है, बेंट है इसका मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं, लोन पेयर लोकलाइज इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लोन पेयर का इफेक्ट खत्म होने का मतलब समझ रहे हो कि ये लीनियर हो गया, sp हो गया, तो ये डिफरेंस है। तो ये सिंपल जो आपको कंडीशन लिखा ना, सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ, या लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर के पास एक्सेप्टर हो, तो ये बहुत इजीली आपको बैक बॉन्डिंग कंप्लीट कर देता है। समझ में आ गई बात? जैसे और देखें, अगर अपन और देखें तो अपने पास एक और एग्जांपल है, जैसे PF3 ले लेते हैं अपन, और PCl3 ले लेते हैं। अब बोलने में देखो, PF, FF, PFF और F, यहाँ लोन पेयर, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, फ्लोरीन के पास नहीं है। और दूसरी चीज बच्चों, ये जो फॉस्फोरस है, ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड का है, और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन तो नजर आ रही है, पर फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग की कंडीशन नजर नहीं आ रही है। समझ में आ गई बात? कोई बैक बॉन्डिंग की कंडीशन नजर नहीं आ रही, तो अब क्या करें? तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन अपना लोन पेयर देने की कोशिश करेगा, पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसके पास में लोन पेयर है, और लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके अंदर गया। अब लोन पेयर इसके अंदर गया
तो भैया सिंपल सी बात है कि इसका लोन पर इसको रिपेल करेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, पर यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी बच्चों इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग? क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड वाले हैं, इसलिए इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। PF3 PCl3 यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगी थर्ड पीरियड के, पर यहाँ पे भी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है कि एक्सेप्टर एटम के पास लोन पेयर है, एक्सेप्टर एटम के पास लोन पेयर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसकी औकात नहीं हो पा रही है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, एज लाइक OCl2 कहने को कह लो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है यार, पर प्रॉपर्टीज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। प्रॉपर्टीज एज इट इज बच्चों, प्रॉपर्टीज एज इट इज डिपेंड करती है पुरानी कंडीशंस के ऊपर ही, यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। समझ में आ गई बात? कई लोग एक्सप्लेन करते हैं कुछ चीज़ों को, तो अपन प्रॉपर्टीज के टाइम पे जब अभी अपन एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, वाकई में रियलाइज करेंगे कि यार बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट है या नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती इसमें बैक बॉन्डिंग बता के इसके बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आपको किसी भी तरीके से बैक बॉन्डिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दो कंडीशन लेके चलोगे, अपने आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे। जब अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक वर्ड लिखा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज में उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। अब जैसे मैंने ASF3 ले लिया, ASCl3 ले लिया, अब ये तो कौन से पीरियड का हो गया? फोर्थ पीरियड का हो गया, ये सेकंड पीरियड का हो गया, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, चेक की मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है। ये फोर्थ पीरियड का हो गया, ये थर्ड पीरियड का हो गया, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बिना बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल है जिसके अंदर, तो आज दोस्तों अपन ने क्लास में क्या किया, अपन ने सिर्फ ये डिस्कस किया कि किसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी। अच्छा ये बताओ PSiH3 होल ट्वाइस में बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? वही NSiH3 होल थ्राइस वाला नहीं होगी, क्योंकि फॉस्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इफेक्टिव इन इफेक्टिव की बात भी नहीं करेंगे, इफेक्टिव इन इफेक्टिव कब वर्ड यूज करते हैं? जब एक्सेप्टर एटम के पास में लोन पेयर हो, तब अपन देखते हैं कि उसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ईजी है, नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़ाई करें। अब इसमें आगे बढ़े, अपन आगे बढ़े तो मैं आपको बस बेसिक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10 सितंबर से जो है वो प्राइसेस बढ़ रही है दोस्तों। ये एक मंथ की पहले 6000 थी, अब 7000 हो जाएगी, 3 मंथ की 15000 थी, 17500, 6 मंथ की 24000, 28000 हो जाएगी, 1 ईयर की 30000, 38500 हो जाएगी, 2 ईयर की 36000 है, अब जो है दोस्तों 56000 हो जाएगी। ये विदाउट डिस्काउंट वाली प्राइस है, इसमें आप कोड यूज करें PMS Sir Live तो आपको है ना 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। फीचर्स मैं बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को पता है, कई सारे बच्चे स्पेशल क्लासेस भी करते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलता है, आप किसी की भी क्लास कर सकते हैं, बेसिकली आपको बेच कोर्स मिलते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होता है किधर जाए किधर नहीं जाए, ठीक है ना। मेंटरशिप प्रॉपर मिलती है, गाइडेंस मिलता है, हर चीज़ आपको बताई जाती है, कब कब क्या क्या चीज़ करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा पूरा सिलेबस कवर किया जाता है दोस्तों, एक साल तो हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं बच्चों, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं लिख के, फोटो खींच के। टेस्ट सीरीज होती है, तो अपने आप इवेल्यूशन हो जाता है इतने सारे बच्चों में आपकी पोजीशन क्या है, और स्टडी मटेरियल जो है बच्चों वो आपको प्रॉपर दिया जाता है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और इसके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी प्लस पे जाना है, IIT JEE सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, जितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो लें, रेफरल कोड को यूज़ करें PMS Sir Live,
और रेफरल कोड यूज करते ही आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, फीस अभी फिर से कह रहा हूँ 36,000 है ना, 10 सितंबर के बाद आपकी फीस हो जाएगी दोस्तों 56,000 टू ईयर्स की। ये टू ईयर्स की है, आप अगर वन मंथ पे जाते हो तो वन मंथ में 1,000 रुपीज ही बढ़ रहे हैं, तो 24 मंथ के हिसाब से आपके बढ़ने चाहिए थे कितने बढ़ने चाहिए थे 24,000 रुपीज, पर नहीं दोस्तों वो 20,000 रुपीज ही बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर इस हिसाब से चले ना, आपकी फीस होती है बच्चों 1,44,000 रुपीज होती है। कितने की? 1,44,000 रुपीज होती है अगर इस हिसाब से चले तो, पर आपको मिलती है भी 36,000 रुपीज में 24 मंथ की। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, और बैकबॉन्डिंग की कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस देख लिए प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय, टेक केयर एवरीवन।